कांग्रेस नेता लक्ष्मण सिंह ने अपनी ही पार्टी को घेरते हुए कहा कि चुनाव में दुष्ट तांत्रिक बाबाओं की मदद लेनी पड़ रही है। इस पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि लक्ष्मण सिंह सही कह रहे हैं कि कांग्रेस की विचारधारा लुप्त हो गई है, इसलिए कांग्रेस अब विचरण कर रही है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह का समर्थन करते हुए कहा कि वे सही कह रहे हैं, कांग्रेस की मूल विचारधारा लुप्त हो गई है, इसीलिए कांग्रेस भटक रही है। उन्होंने कहा कि वे साधु संतों के बारे में कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन लक्ष्मण सिंह ने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह दोनों के लिए ये कहा है। गौरतलब है कि कांग्रेस से विधायक लक्ष्मण सिंह ने ट्वीट कर अपनी ही पार्टी पर सवाल खड़ा करते हुए कहा था कि कांग्रेस हमेशा भाजपा की विचारधारा को कोसती आई है, परंतु आज कांग्रेस की विचारधारा लुप्त हो गई है। उन्होंने कहा चुनाव में दुष्ट तांत्रिक बाबाओं की मदद लेनी पड़ रही है। गौरतलब है कि पिछले चुनाव में कांग्रेस के नेताओं ने चुनाव जीतने के लिए मिर्ची बाबा, कंप्यूटर बाबा सहित अन्य बाबाओं का सहारा लिया था, जिसमें दिग्विजय सिंह की जीत के लिए मिर्ची बाबा ने यज्ञ किया था, बावजूद इसके वे चुनाव हार गए थे। तो वैसे तो ये दोनों नेताओं पर ही बोल रहे हैं, दोनों का आचरण आपने देखा होगा। भाई ने भी वो मिर्ची बाबा का यज्ञ और जाने कौन कौन से यज्ञ कराए थे। खैर, मैं महात्माओं पर संतों पर नहीं जा रहा। मेरा तो ये कहना है कि एक बात उनकी ठीक है कि मूल विचारधारा ही लुप्त हो गई कांग्रेस की, इसलिए कांग्रेस सुप्त हो गई। वो लुप्त तो ये सुप्त, इसी अवस्था में कांग्रेस आगे विचरण करने वाली है, तो मुझे नहीं लगता कि अब कोई भविष्य कांग्रेस का है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।